आखिर क्यों एल्विस यादव ने बिग बॉस के सेट पर आते ही अरमान मलिक को घर के सभी कंटेस्टेंट के सामने लगा डाली है कड़ी फटकार। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एल्विस यादव बिग बॉस के सेट पर पहुंच चुके हैं और यहां पर वीकेंड के बाद एपिसोड का जो शूट है वो शुरू हो चुका है। और सुनने में आया है कि एल्विस यादव ने अरमान मलिक को बहुत बुरी तरीके से पछाड़ा है, बहुत बुरी तरीके से उसको जो है घर वालों के सामने डांट और फटकार लगाई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अरमान मलिक अक्सर घर के अंदर रहते हुए एल्विस यादव की बहुत ही ज़्यादा चर्चा करता है। हर हफ्ते एल्विस यादव के बारे में वो कुछ ना कुछ बोलते रहता है। कटारिया को टारगेट करते हुए वो एल्विस की धमकियां देता है कि तू तो एल्विस के पीछे है, जो कुछ भी है तेरा खुद का कोई वजूद नहीं है। और इन्हीं सारी बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं एल्विस यादव ने अरमान मलिक पर अपनी बरास निकाली है। जी हां दोस्तों, सुनने में आया है कि एल्विस यादव ने बिग बॉस के सेट पर आते ही घर वालों से काफ़ी अच्छे खासे से मुलाकात की है, सबसे काफ़ी अच्छा जो है इंटरेक्ट हुआ है। इसके बाद घर वाले भी एल्विस से मिलकर काफ़ी खुश नजर आए। लेकिन यहाँ पर अरमान मलिक पर भड़कते हुए कहा कि भाई तू तो बोल ही मत, तूने तो पहले ही मेरे बारे में इतनी बातें कर ली है कि तेरे से तो बात करने का भी मन नहीं कर रहा। इसके अलावा एल्विस ने अरमान से बात करते हुए कहा कि भाई तू एक बात बता, मेरे पीछे आया है कि तू गेम खेलने के लिए? तू यहाँ जब से आया है तब से केवल एक ही नाम रटे हुए है, एल्विस एल्विस एल्विस। मैं कोई खेलने थोड़ी आ गया घर के अंदर, तेरे को अगर गेम खेलना है मेरे साथ तो या तो बाहर आ जा या फिर मेरे को परमिशन दिलवा कि मैं अंदर आ जाऊँ, मैं खेल लेता हूँ तेरे साथ में गेम, क्योंकि तेरा गेम तो मेरे साथ चल रहा है ना। तू यहाँ पर कटारिया वटारिया इनके साथ में थोड़ी ना खेल रहा है, तो मेरे साथ गेम खेल रहा है। हर हफ्ते तेरे को मेरे नाम का लेना मतलब जिक्र करना जरूरी होता है। जी दोस्तों, इस तरीके से जो है एल्विस यादव ने अरमान मलिक को फटकार लगाई है। और कहीं ना कहीं अरमान ने भी यहाँ पर एल्विस यादव के सामने अपनी सफाई रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन एल्विस ने यहाँ पर अरमान की एक भी नहीं सुनी, कड़ी फटकार लगाई है। एल्विस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है इस बार का वीकेंड का वार एपिसोड वाकई काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। इसके अलावा एल्विस यादव ने अरमान मलिक से पूछा है कि तू कटारिया को उसके वजूद के बारे में पूछता है कि उसका क्या वजूद है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, दोस्तों के पीछे उछलता है, भाई तेरा भी बता दे कि लोगों को कि तेरा क्या वजूद है, तेरे बताऊँ क्या वजूद। जी दोस्तों, इस तरीके से जो है एल्विस ने यहाँ पर अरमान से सवाल किया है। अब अरमान ने क्या सफाई दी है ये तो पूरा हमें एपिसोड के दौरान ही पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, आप इस धमाकेदार सीन को टीवी पर देखने के लिए यानी कि आज के एपिसोड में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप भी अगर एल्विस के फैन हैं, लवकेश कटारिया के फैंस हैं, विशाल पांडे के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि बिग बॉस से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले।